हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द लेसन हू तू। आज इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम? जब आप कबड्डी खेलते हैं तो एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? आंसर इज There are 8 players in a team. How many players got out when Shyamala touched the line? जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए? All 8 players got out. सारे के सारे 8 प्लेयर्स आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3। When you have an argument or fight during a game, जब गेम में किसी के साथ कोई तर्क हो जाए, आर्गूमेंट का मतलब तर्क या फाइट हो जाए, व्हाट डू यू ऑल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सब क्या करते हैं? वी ट्राई टू रिमेन काम, काम का मतलब शांत, क्वाइट एंड पीसफुल। तो हम शांत रहने की कोशिश करते हैं एंड ओबे द अम्पायर और रेफरी। अम्पायर, कुछ गेम में अम्पायर होता है, कुछ में रेफरी होता है, उसका कहना मानते हैं। वी हियर ऑल साइड्स, हम सारी साइड, जो दोनों साइड की बात सुनते हैं एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप, और जो खेल की भावना होती है उसको दर्शाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नाउ पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को रोकने की कोशिश करें एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, और कबड्डी कबड्डी कहते रहें। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट, कितनी बार तुम इसे कह सकते हो? आई कुड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20-30 टाइम्स। वैसे आप इसमें जो 20-30 टाइम्स लिखा है, ये आप खुद करके देखिए और उस जितनी बार आप बोल सकते हैं वो नंबर यहाँ पे 20-30 की जगह लिखिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट, कितनी बार तुम इसे कह सकते हो? वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, जब आप कबड्डी खेल रहे होते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? आई कैन से इट अबाउट 15-25 टाइम्स, मैं 15-25 बार बोल सकता हूँ। यस, देर इज ए डिफरेंस ऑफ 5-10 काउंट्स, इसमें 5-10 बार का फर्क है, यानी कि कम बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पिक्चर बनानी है कि श्यामला कैसे अपोजिट टीम को इन वन गो, यहाँ गो का मतलब जाना नहीं है, इन वन गो का मतलब होता है, मैं पूरा लाइन पढ़ देती हूँ। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। एंटायर अपोजिट टीम का मतलब है जो दूसरी प्रतिद्वंद्वी पूरी की पूरी टीम, एंटायर पूरी, और इन वन गो का मतलब एक ही बार में, या गो का मतलब ज़्यादा नहीं है, इन वन गो जब तीनों वर्ड्स एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है एक बार में। कि आप अपनी बुक में, नोटबुक में पिक्चर बनाइए कि कैसे श्यामला ने पूरी की पूरी टीम को एक ही बार में आउट कर दिया। ये पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई भी होगी तो वहाँ से देख के भी आप इसको बना सकते हैं, ये आपके लिए इजी रहेगा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर बना के दिखाइए, उसमें बुक में आपकी बहुत सुंदर पिक्चर बनी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, गेम्स में आउट होने का मतलब क्या होता है? व्हेन डज वन गेट आउट इन कबड्डी, कबड्डी में कोई भी कब आउट होता है? टू बी आउट इन ए गेम मीन्स दैट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम फॉर द टाइम बींग। गेम में आउट होने का मतलब होता है कि आउट हुए हुए प्लेयर को अब गेम में कुछ देर के लिए खेलने की अनुमति नहीं होगी। देर आर 3 वेज टू गेट आउट इन कबड्डी, कबड्डी में आउट होने के 3 तरीके होते हैं। इफ़ ही इज स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन प्लेयर वाइल ऑन हिज मूव, जब वो मूव कर रहा हो और अपोजिशन टीम के द्वारा उसे रोक दिया जाए, वो आगे ना बढ़ सके, फिर तब वो आउट हो जाता है। इफ ही टचेज अपोजिशन प्लेयर, अगर वो अपोजिट टीम के प्लेयर को टच कर दे एंड द अपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, और अपोजिशन की जो टीम है उसे रोक ना सके।
इफ यू लूज इज ब्रीथ या फिर उसका सांस टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। प्लेयर को टच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खोखो, खोखो में भी टच करते हैं। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, आप आउट हो जाते हैं जब कोई आपको टच करता है। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, और जब कोई दूसरा टच करता है तब आपकी बारी भी आती है। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स, वो कौन कौन से गेम है जिनमें प्लेयर्स को टच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ दीज गेम्स आर कबड्डी, खो खो, चुप्पा चुप्पी, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक यानी कि छुपना, आँख मिचोनी। इन गेम में टच करना जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट, पूरी टीम आउट हो गई बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था। वॉट आर सम अदर गेम इन विच, और दूसरे गेम कौन से हैं इन विच जिनमें द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टग ऑफ वार यानी कि रस्साकसी में, फुटबॉल में और हॉकी और भी गेम होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला। नाउ पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच, क्या आपने कोच से कोई गेम सीखा है। विच वन, कौन से वाला। आई लर्नड फुटबॉल एंड क्रिकेट फ्रॉम कोचेज, मैंने कोच से क्रिकेट और फुटबॉल का गेम सीखा है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने कोच से गेम सीखा है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट, मेरे कुछ फ्रेंड्स क्रिकेट सीख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ए कोच टीच, कोच कैसे पढ़ाते हैं। हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, कोच प्लेयर से प्रैक्टिस कैसे कराते हैं। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, प्लेयर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। ए कोच टीच इज द ट्रिक्स ऑफ गेम टू द प्लेयर्स, जो कोच होता है वो प्लेयर्स को गेम के ट्रिक्स सिखाता है। ए कोच ऑलवेज एनकरेजेज एंड टेल द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस, और कोच प्रोत्साहित करता है और प्रैक्टिस करने के फ़ायदे बताता है। एंड कन्विंसेस द प्लेयर टू डू प्रैक्टिस, और प्लेयर को प्रैक्टिस करने के लिए आश्वस्त करता है, कन्विंस आश्वस्त करता है। ही टीचेस द गेम मेथडिकली, वो सही मेथड से गेम सिखाता है। प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड, प्लेयर्स को बहुत ही हार्ड वर्क करना होता है। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। एंड डू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स, और लंबे समय तक प्रैक्टिस करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब ऑफ योर फेवरेट गेम, क्या आपने कभी अपने फेवरेट गेम का क्लब बनाने के बारे में सोचा है। यस आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर फुटबॉल, मैं फुटबॉल का क्लब बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। इमेजिन, क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन कल्पना करो दैट देर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो, खो खो खेलने के लिए 15 चिल्ड्रन हैं। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स, उन्हें 2 टीम बनानी चाहिए विद इक्वल नंबर, जिसमें इक्वल नंबर हो यानी कि 7। देन वन प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर बच जाएगा। वॉट विल यू डू इफ दिस हैपन्स, कि तुम क्या करोगे अगर ऐसा होगा। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल, क्या बीच में कभी एक्स्ट्रा पर्सन यानी कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी बने हो। राइट अबाउट दिस, आई विल मेक 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्लेयर्स ईच, मैं 2 टीम बनाऊंगा और हर टीम में 7 प्लेयर्स होंगे। एंड द रिमेनिंग 1 प्लेयर विल बी द रेफरी, और जो बचा हुआ 1 प्लेयर होगा वो रेफरी बन जाएगा। यस वंस आई वॉज द एक्स्ट्रा पर्सन इन ए फुटबॉल मैच, मैं एक बार फुटबॉल मैच में एक्स्ट्रा पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी गेम हैज सम रूल्स, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, उन्हीं रूल्स के हिसाब से गेम खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स, आप देखें क्या होता है इफ़ द रूल्स आर चेंज, अगर रूल्स को चेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट ए बैट्समैन गेट्स आउट, क्रिकेट में बैट्समैन आउट हो जाता है इफ़ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स, बेल्स होती हैं जो स्टम्प के ऊपर गिल्ली रखी होती है, अगर बेल्स गिर जाती हैं। इमेजिन इफ देयर इज ए रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, इमेजिन करो कि अगर मान लीजिए 3 स्टम्प भी गिर जाएं तो क्या पूरी टीम आउट हो जाएगी। वुड इट बी फन, क्या मज़ेदार बात होगी। होगी ये, न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड, नए नए रूल हमेशा बनते हैं। प्लेइंग ए गेम्स सच एज क्रिकेट विद न्यू रूल्स मे गिव एक्स्ट्रा फन टू बोथ द प्लेयर्स एंड द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले गेम को।
कि गेम को, क्रिकेट जैसे गेम को खेलना जिसमें नए रूल लागू किए गए हों, बहुत मज़ेदार रहेगा प्लेयर्स के लिए भी और स्पेक्टेटर्स के लिए भी। तो आपने अभी ये इसके एक्सरसाइज देखी हैं इस लेसन की, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।